ऋषिशिराज बोले हे भगवान, आपने मुझे अत्यधिक आनंद प्रदान किया, इसी कारण मैं आपका नाम नंदी रखता हूं। तब मेरे जो पिता शिलाज थे, भगवान शिव की स्तुति करने लगे और स्तुति करके अपनी कुटिया में चले गए। उस कुटिया में जाकर के मैंने इस रूप का त्याग कर दिया और साधारण बालक की तरह मैं इस संसार में रहने लगा। मेरे पिताजी शिलाज ने मेरे नामकरण आदि संस्कार पूरे किए। 5 वर्ष के होने के बाद नंदी ने वेदों का अध्ययन किया। जब वो 7 वर्ष के हो गए तो देवादिदेव भगवान शिव से मित्र वरुण नामक मुनि मुझे देखने मेरे आश्रम में आए। नंदीश्वर के पिता जो शिलाद थे, दोनों को उत्तम आसन दिया, आसन पर बैठाया, उनकी आप भगत की। तब वो दोनों बड़ी प्यार से नंदीश्वर को निहारते रहे। थोड़ी देर पश्चात ऋषि शिराद से बोले, तुम्हारा पुत्र छोटी सी आयु में समस्त शास्त्रों का ज्ञाता हो गया, लेकिन इसकी आयु कम है, इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है। शिलाद ऋषि उनकी बातों को श्रवण करके बड़े दुखी और अत्यंत दुख से भर गए, रोने लगे, अपने पिता को इस प्रकार से रोते देख करके, दुखी देख करके नंदीश्वर ने उनसे प्रश्न किया कि पिताजी आप किस कारण से रो रहे हैं। तब शिलाद ऋषि ने नंदीश्वर को अल्पायु होने की बात कही। नंदीश्वर ने कहा, आप इस प्रकार दुखी न हो, मुझे देवता दानव गंधर्व यक्ष काल यमराज या कोई भी मुझे मार नहीं सकता, मेरी अल्पायु में मृत्यु नहीं होगी। जब नंदीश्वर ने इस प्रकार की बात कही तब शिलाद ने उनके वचनों को श्रवण करके उनसे पूछा, पुत्र तुमने ऐसा कौन सा तप किया है
या तुम्हें कौन सी ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जो तुम ऐसा कह रहे हो? नंदीश्वर ने कहा, पिताजी मैं भगवान शिव की आराधना और स्तुति से ही मृत्यु को भगा दूंगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं मृत्युंजय है। मृत्युंजय का मतलब है जो मृत्यु पर भी जय प्राप्त करे। मृत्यु को जिसने पराजित करके और जय प्राप्त कर लिया है वही मृत्युंजय। और भगवान शिव मृत्युंजय। नंदीश्वर पिता को प्रणाम किए और प्रणाम करके जंगल में जा करके एकांत में बैठ करके और तप कर भगवान शिव का कठोर तप किया। मेरी भाई बहन, शिव पुराण में तप के ऊपर बहुत जोर दिया गया, बार बार कहा जाता है कि परमात्मा का पाने का एक ही साधन, तप। जिससे तुम्हारे जीवन में निखार आए, तेज आए, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो, तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। जिसलिए तुम्हें ये मानव का जीवन प्राप्त हुआ है, उस लक्ष्य को तुम प्राप्त कर सको। क्योंकि तप से हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है। केवल एक लोटा भगवान शिव पे जल चढ़ा देना ही तप नहीं। तप का मतलब है समस्त इंद्रियों और यहां तक कि अपने आप को समर्पित कर देना। मन से, वाणी से, समस्त इंद्रियों को भगवान शिव के चरणों में, परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना। और निरंतर उनके नामों का स्मरण करते रहना, उनका चिंतन करते रहना, उनका ध्यान करते रहना, ऋषियों ने जो मार्ग बताए हैं, जो शास्त्र ने मार्ग हमें दिखलाया, उस मार्ग का अनुसरण करना, उस पथ पर चलना, और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना,
उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही तप है और मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य। नंदीश्वर कठोर तप कर रहा है, इतना कठोर तप किया कि उसके तप के प्रभाव से भगवान शिव नंदीश्वर के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहने लगे, वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। वरदान मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने नंदीश्वर ने कहा, बाबा अगर आप देना चाहते हैं तो इस संसार का भोग मुझे नहीं चाहिए, इस संसार का ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे मान सम्मान नहीं चाहिए, आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, और वो प्रार्थना ये है कि आप मेरा मुझे अपना वाहन बना दें। भगवान शिव कहते हैं, नंदीश्वर मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें आज से मैं गणाधिपति बनाता हूं, अपने गणों के अधिपति तुम्हें बनाता हूं, पार्वती से कहने लगे, पार्वती आज से इसको नंदीश्वर को मैं गणाधिपति बना दिया है। पार्वती मैया कहने लगी, बाबा भोलेनाथ ये तो मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, सभी गणों को बुलवाए भगवान शिव ने, और सबसे कहा, देखो आज से मैंने नंदीश्वर को गणाधिपति बना दिया है, तुम लोगों के ऊपर अधिपति बना दिया। मेरे भाई बहन एक बात ध्यान रखना, भगवान शिव की गणों में सबसे आगे नंदीश्वर है, इसीलिए नंदीश्वर भगवान के दरवाजे का पहरा देता है,
आप जहां भी देखेंगे तो भगवान के दरवाजे पे ही बैठा हुआ मिलेगा। हमेशा भगवान शिव के मुखारविंद के दर्शन करता रहता है नंदीश्वर। अगर कुछ कहना हो भगवान भोलेनाथ से तो नंदीश्वर के माध्यम से अगर आप कहोगे ना तो जल्दी सुनवाई होगी। इसीलिए देखो लोग भगत लोग जाते हैं ना तो नंदीश्वर के कान में अपनी बातों को कहते हैं कि जा करके भोलेनाथ से बता देना। बाबा से मेरी बात तुम जाकर के बता देना। भगवान शिव का अहर्निश नंदीश्वर मुखारविंद का दर्शन करता रहता है। इसीलिए कहते हैं कभी भी भगवान शिव के और नंदीश्वर के बीच से कभी मत निकलना, महादोष होता है, पातक लगता है। नंदीश्वर को दर्शन करने में अगर आपने अवरुद्धता पैदा की तो कहते हैं महापातक लग लगा। शंकर से मिलने का शंकर से मिलने का सत्संग का बहाना है। शंकर से मिलने का सत्संग का शंकर से मिलने का सत्संग का बहाना है। शंकर से मिलने का सत्संग का बहाना है। शंकर से मिलने का सत्संग का बहाना I'm
भगवान शिव का कहाँ पे है? गंगा में ढूंढा तुझे, नर्मदा में पाया के कण कण में। जय हो सृष्टि के कण कण में। हवा का नंदीश्वर के, नंदीश्वर के अवतार के रूप में भगवान नंदकेश्वर ने अवतार धारण किए। भगवान शिव ही नंदकेश्वर के रूप में अवतरित होकर के और सारे संसार के कल्याण कर रहे हैं। एक बार हे शनत कुमार, शनत कुमार हे नंदकेश्वर, शनत कुमार ने नंदकेश्वर से पूछा कि ब्रह्मा जी के और भगवान विष्णु के परस्पर झगड़ा क्यों? तो वेद ने कहा, ऋग्वेद ने कहा कि भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के अंदर सारे भूत प्राणी निहित हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है।
क्योंकि उन्हीं में के द्वारा सब प्रवृत्त होती है, उन्हीं को संसार का परम तत्व कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। यजुर्वेद बोले भगवान परमेश्वर शिव की कृपा से वेदों की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। भगवान शिव यज्ञ पुरुष है, और योग में भी उनका स्मरण किया जाता है, इसलिए भी भगवान शिव श्रेष्ठ है। सामवेद बोले समस्त संसार के लोगों को भरमाता है और जिसकी खोज त्र्यंबक महादेव जी हैं, इसलिए भी भगवान शिव श्रेष्ठ है। अथर्व बोले जिसकी कांति से सारा सृष्टि प्रकाशमान होता है, जो समस्त जीवों के दुखों को नाश करते हैं और एकमात्र देव भगवान शिव है। वेदों के इस वाक्य को श्रवण करके ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदों, तुम्हारी वचनों से तो केवल अज्ञानता झलकती है। वो शिव जो नंगा रहता है, भांग धतूरा खाता है, सिर पे जटा बांधा रहता है, रुद्राक्ष धारण कर रखा, मुंडों की माला धारण कर रखा है, सारे शरीर में भभूति रमाया फिरता है, उसे परम तत्व कैसे कहा जा सकता? परम ब्रह्म किस प्रकार से उसे माना जा सकता है? ब्रह्मा और विष्णु के इस शब्द को श्रवण करके मूर्त अमूर्त रूप से विद्यमान ओंकार भगवान शिव शक्तिधारी इस संसार में जो समस्त जीवों की कल्याण करते हैं, उस भगवान परमेश्वर सदाशिव को क्रोध आ गया। एक तेज पुंज निकला, और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा तुम दोनों मेरे शरण में आए हो, इसलिए तुम दोनों की रक्षा करूंगा। ब्रह्मा से कहा, तुमने मेरे शिर से प्रकट हुए हो,
तुम जब प्रकट हुए जन्म लिए तो तूने रोना प्रारंभ कर दिया था। तुम्हारे रोने के कारण, क्योंकि तीन देव है ना, त्रिदेव, हम लोग कथा श्रवण कर चुके हैं, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये तीनों ही भगवान के, शिव के से अवतरित है। ब्रह्मा भी भगवान शिव से ही अवतरित है और विष्णु भी भगवान शिव से ही अवतरित है और रुद्र भी भगवान शिव के ही अवतार माना जाता नहीं है, है। और भगवान शिव ने स्वयं कहे हैं कि ये आज से मेरा ही रूप है, तो वही भगवान शिव रुद्र से कहते हैं कि तुम्हें प्रगट, तुम मेरे सिर से प्रगट हुए, प्रगट होते ही तुम रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम मैंने रुद्र रखा है। और भगवान शिव के वचनों को सुनकर, ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर के भगवान सर्वेश्वर को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही एक पुरुष प्रकट हुआ। भगवान शिव कहते, हे महाकाल, तुम साक्षात काल के रूप हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से काल भैरव। तुम काल भैरव के नाम से विख्यात हो गए। तुम ब्रह्मा पर शासन करोगे, उनके गर्भ को तुम नष्ट करने वाले बनोगे और संसार का तुम पालन करोगे। आज से मैं तुम्हें काशीपुरी का आधिपत्य सौंपता हूं। वहां पापियों को दंड देना तुम्हारा काम है, वहां के मनुष्यों द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का लेख तो चित्रगुप्त जी लिखेंगे, लेकिन दंड देना तुम्हारा काम। भगवान शिव के आदेश को काल भैरव ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने अपनी बढ़ती हुई अंगुली के अग्रभाग से ब्रह्मा का पांचवा सिर काट दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, ये तो मेरे पांचवा सिर का छेदन कर दिया, भयभीत हो गए ब्रह्मा जी, और भयभीत हो करके शतरुद्रीय पाठ करना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव की कृपा से दोनों के बीच का विवाद समाप्त हुआ। भगवान शिव बड़े भक्त वत्सल है,
अपने भक्तों का सदा सदैव कल्याण करते हैं। भगवान निरंतर अपने भक्तों को अभय प्रदान करते हैं। भगवान शिव ने काल भैरव को आज्ञा दिया कि सदा ब्रह्मा और विष्णु का आदर करना और पापियों को दंड देना। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके भैरव जी कालों के भी काल हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से कापालिक व्रत को धारण किया। काल भैरव के हाथ में कपाल लेकर के और काशी नगरी की ओर चल दिए। परंतु जो ब्रह्मा का सिर छेदन किया था इसके कारण काल भैरव के पीछे पीछे वो ब्रह्म हत्या लग गई। आगे आगे काल भैरव चल रहे और पीछे पीछे वो हत्या चल रही है। एक दिन काल भैरव कापालिक वेश धारण करके भगवान नारायण के स्थान पर गए और त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के भैरव रूप को देख करके भगवान विष्णु ने आदर किया। बड़े आदर से उनको कहा, आज मैं धन्य हो गया, आपने हमें दर्शन दिए, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान शिव के काल भैरव रूप का दर्शन करके भगवान विष्णु अपने आप को धन्य धन्य समझते। हे शनक कुमार, आज हम दोनों भगवान विष्णु कहते हैं कि आज हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु इस पृथ्वी को जो धारण कर रखा है ये भगवान शिव की कृपा है। वहां से काल भैरव काशी की तरफ बढ़े। काल भैरव भिक्षा मांगते हुए और आगे बढ़ रहे हैं तो भगवान विष्णु ने काल भैरव से कहा, प्रश्न किया कि महाराज आप तो सबको तीनों लोकों का राज्य प्रदान करने वाले हैं, भला आपको भिक्षा मांगने की आवश्यकता क्या है? तब भगवान विष्णु के वचनों को श्रवण करके काल भैरव ने कहा, नारायण मैं ब्रह्मा जी के पांचवें सिर को काट लिया, इसलिए
अपने द्वारा किया गया कृत पाप को प्रायश्चित करने के हेतु ही मैं भिक्षाटन कर रहा हूं। भैरव के वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, आप समस्त दुखों को नाश करने वाले हैं, विघ्नहर्ता है, आप सदा लीला करते रहते हैं और भगवान काल भैरव अपनी भिक्षा में मनोरथी नाम की विद्या भगवान भैरव नाथ के काल भैरव के भिक्षा पात्र में दिया। वहां से काशी की तरफ बढ़े तो जैसे ही काशी के सीमा में प्रवेश किया वैसे ही वो जो पातक था ना प्रायश्चित ब्रह्म हत्या, ओ ब्रह्म हत्या को देख करके विष्णु जी ने ब्रह्महत्या से कहा कि तू काल भैरव का पीछा करना छोड़ दे। ब्रह्महत्या ने कहा, महाराज इसी बहाने इनका दर्शन मुझे हो रहा है। और वहां से आगे बढ़े जैसे ही नगर के समीप काशी नगरी के समीप पहुंचे वो ब्रह्महत्या पाताल में समा गई क्योंकि काशी पहली बात तो भगवान शिव का परम धाम निज धाम हम लोग कथा श्रवण कर चुके हैं कि काशी को भगवान ने अपने लीला के निमित्त भगवती उमा से कह करके कि देवी अब मुझे लीला करनी चाहिए, कुछ लीला करने की इच्छा है पार्वती से जब उन्होंने प्रकट किया है तब अपने मन से भगवान शिव ने काशी को प्रकट किया। और ये भी हम लोग श्रवण कर चुके हैं कि महाप्रलय में भी काशी का नाश नहीं होता। जब महाप्रलय होता है तो भगवान शिव अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं और जब लीला करनी होती है तो पुनः स्थापित पृथ्वी पे कर देते हैं। वहां पर भगवान काल भैरव चौकीदार के रूप में द्वारपाल कोतवाल है काशी के काल भैरव, इसीलिए कहते हैं कि काशी जाओ और सबका दर्शन करो, अगर काल भैरव का दर्शन तुमने नहीं किया तो काशी आने का कोई भी फल तुम्हें प्राप्त नहीं। सब
सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन तभी होंगे जब काल भैरव की आज्ञा तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले काल भैरव का दर्शन होता है। नियम है कि पहले काल भैरव का दर्शन करो, फिर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करो। तो वहां कोतवाल के रूप में भगवान कपाली काल भैरव काशी में विद्यमान है। नंदकेश्वर ने कथा श्रवण कराते हुए शरत कुमार को कहते हैं, प्रभु मैं आपको शार्दूल नामक भगवान शिव के अवतार के बारे में बताता हूं, जो परम कल्याणकारी है, मंगलकारी है। एक बार अग्नि के समान जलते हुए शरभ रूप को भी भगवान शिव ने धारण किया था। भगवान शिव अनेक अवतार धारण करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। उनका कल्याण करने के लिए कथा आप लोग जानते ही हैं, और कल भी हम लोगों ने भगवान नरसिंह के अवतार की कथा संक्षेप में श्रवण किए कि कश्यप जी महाराज के पुत्र के रूप में जय और विजय आया। हिरणाक्ष और हिरण कश्यप अवतरित हुआ अपने पुत्र को द्वेष के कारण भगवान विष्णु से। नारायण नाम न लेने का और उन्होंने सलाह दिया। अनेकों प्रकार के अपने पुत्र प्रहलाद को उन्होंने कष्ट दिए। भक्त वत्सल भगवान श्री हरि उनको अपने गोद में लिटा करके खंभ के से प्रकट होकर के भगवान नरसिंह हिरणाक्ष के छाती को अपने नाखूनों से विदीर्ण करके चीर करके और आंतों को धारण करके गर्म गर्म रक्त पान कर किए थे। उस समय भगवान नरसिंह अति क्रोधित